आप कोई व्यापार कर रहे हो जिसमें आपने 100 जनों तक लोगों को नौकरी दी हुई है, मतलब 100 जनों से कम को नौकरी दी हुई है, 100 से ज़्यादा आपके यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं है, और साथ में अगर जितने भी आपके एम्प्लॉय हैं जो कि 100 तक हैं, 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो 90% एम्प्लॉयज़ की सैलरी 15,000 से कम है, उस केस में आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। वो खुशखबरी ये है कि आत्मनिर्भर भारत जब अनाउंस हुआ था उस समय कोविड के टाइम 3 महीने का आपको एक बेनिफिट दिया गया था। क्या बेनिफिट दिया गया था कि आपका ईपीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है 12% एम्प्लॉयर का और 12% एम्प्लॉय का शेयर गवर्नमेंट अपनी तरफ से देगी, जो कि ख़त्म हो रहा था मई में। अब सरकार ने उसको एक्सटेंड करके और 3 महीने कर दिया है कि जून, जुलाई और अगस्त, इन 3 महीने का कंट्रीब्यूशन भी सरकार अपनी तरफ से 12% एम्प्लॉयर के हिस्से का, 12% एम्प्लॉय के हिस्से का पीएफ में कंट्रीब्यूशन सरकार अपनी तरफ से डालेगी। ये उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, फिर से बता देता हूँ, ये उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए है जहाँ पे एम्प्लॉय काउंट 100 से ज़्यादा नहीं है, दूसरा 90%, कम से कम 90% एम्प्लॉयज़ की सैलरी 15,000 से कम है। अगर आप ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हो तो पीएफ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का आपके हिस्से का और आपके एम्प्लॉय के हिस्से का 12-12%, पूरा 24% भारत सरकार अपनी तरफ से जमा कराएगी, वो भी अगले और 3 महीने तक के लिए, जून, जुलाई और अगस्त तक। तो 31 अगस्त तक का आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा आपको जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, भारत सरकार आपके बिहाफ पे जमा कराएगी और आपसे कोई भी पैसा उसका नहीं लेगी। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी बड़ी रिलीफ है और काफ़ी बड़ा रिलैक्सेशन है उन स्मॉल बिजनेसमैन के लिए जहाँ पे 100 एम्प्लॉयज़ तक काम कर रहे थे। हमें इसका वेलकम करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो साइन ऑफ करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।